ओके जी, अब हम जो कुछ एग्जांपल सॉल्व करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक हमारे सर्कल की जनरल फॉर्म वाली इक्वेशन से है। तो अब उसने हमें बताया कि भाई ये एक आपकी इक्वेशन है जनरल फॉर्म की, तो अब आपने इसमें से पता करना है कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ कंपेरिजन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। तो हम कहते हैं जी कंपेयर तो हम जनरल फॉर्म लिखते हैं और फिर हम उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो इसने हमें कहा जी 2gx होता है प्लस 2fy होता है प्लस c होता है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दिस कंपैरिजन, अब अगर आप इक्वेशन देखें तो इसमें x का स्क्वायर, सबसे पहले तो हमें जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि भाई ये जो x स्क्वायर और y स्क्वायर है ना, इनका कोफिशियंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब लकीली इस क्वेश्चन में हमारा इन दोनों का कोफिशियंट 1 है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ना होता तो फिर हमें कुछ और करना पड़ता। अच्छा, तो अब हम इनको कंपेयर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, वाई स्क्वायर एज इट इज है। तो अब ये जो 2gx है, जो 2gx है, ये असल में 4 + 4x के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें किसी तरह ये जी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँगा एक्स तो सेम है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो 2g है वो अकॉर्डिंग टू दीज बोथ इक्वेशंस, 2g जो है, जो हमारी जनरल फॉर्म है, वो असल में 4 के बराबर है। 2g जो है वो 4 के बराबर है। तो क्या यहाँ से हम g की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो g की वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी g2। ठीक है, ये आपको समझ आई कि ये मैंने g की वैल्यू कैसे निकाली है? मैंने जस्ट इस टर्म को, इस पार्ट को, अपनी जनरल फॉर्म की इक्वेशन के इतने पार्ट को, क्योंकि x तो मुझे पता ना, x तो उसमें भी है इसमें भी है, तो x को कंपेयर करने का तो फायदा नहीं है। तो मैं जो 2g है, जो ये वाला पार्ट है, जो कोफिशियंट है x का, कोफिशियंट को कोफिशियंट से कंपेयर करवा देता हूँ। तो 2g जो है दिस इज इक्वल टू +4। तो और फिर यहाँ से मैंने g की वैल्यू निकाल ली। अब इसी तरह मैं कंपेयर करूंगा अपने 2f को, तो मैं कहता हूँ ये 2f किसके बराबर है। अब वहां चूंकि जेनेटिक टर्म कहती है कि ये प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमें इक्वेशन में माइनस दिया हुआ है, तो -6 के बराबर हमारा ये कोफिशियंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब हम अगर f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, -3 -3 के बराबर। अच्छा, अब हमारे हमारे पास जी भी आ चुका है, हमारे पास आपका एफ भी आ चुका है। तो अब क्या इससे सेंटर पता कर सकते हैं? अब सेंटर हमें ये पता है कि सेंटर किसके बराबर होता है जी, सेंटर हमें बताया गया था वो -g, -f के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस -g, -2 और -f किसके बराबर है जी, ये माइनस, जब मैं एफ की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस आ रही। तो ये हमारी क्या चीज आ गई, ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक है, तो सेंटर निकालने के लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि भाई सेंटर निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने जेनेरिक फॉर्म जो थी अपनी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, उसको कंपेयर किया अपनी गिवन इक्वेशन के साथ। तो जो एक्स और वाई वाली जो दोनों टर्म्स थी, उन दोनों इक्वेशंस में उनके जो कोफिशियंट्स हैं, हमने उनको कंपेयर किया आपस में, उनके इक्वेट किया, और उसी के इक्वेट करने से हमें आइडिया हो गया कि अच्छा इसमें जी की वैल्यू क्या है, इसमें एफ की वैल्यू क्या है। और फिर हमें ये बताया गया था कि जो सेंटर हमारा होता है जनरल फॉर्म में, वो -g, -f के बराबर होता है। तो फिर हमने उसी तरह उनकी वैल्यूज यहाँ पुट की हैं, तो वो जो प्लस माइनस होने थे वो हो गए। अब हम सेंटर हमारा रह गया है, तो अब हमें सेंटर पता करना है, सॉरी रेडियस पता करना है। तो अब रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि वो g² + f² + सॉरी
माइनस सी के बराबर होता है और अंडर रूट इसका। तो अब अगर हमारा, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, हमें जी की वैल्यू भी पता है, हमें एफ की वैल्यू भी पता है, हमें सी की वैल्यू भी पता है। जी की वैल्यू क्या है जी? जी की वैल्यू हमने ये निकाली थी, टू, तो टू का स्क्वेयर प्लस एफ की वैल्यू हमने -3 निकाली थी, 3 का स्क्वेयर माइनस। अब इसमें सी की वैल्यू क्या है? अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो ये प्लस सी होता है, जहाँ सी जो है ये -3 के बराबर है। तो यहाँ हम कह देते हैं जी, अकॉर्डिंग टू दिस सी इज इक्वल टू -3। सर, रेडियस पे होल स्क्वायर नहीं आएगा? किसका? रेडियस होल स्क्वायर नहीं लेंगे इसको? नहीं, रेडियस का जो हम, जब हमने यहाँ देखा था ना कि होल स्केयर भी, तो वो स्केयर इसलिए था ना क्योंकि हमने आर स्केयर बनाना जैसे था। तो अब आर स्केयर तो रेडियस नहीं होता, रेडियस तो सिर्फ आर के ठीक है बराबर सर, होता है, ठीक तो इसलिए हमने सिर्फ ठीक है अंदर सर। वाली टर्म ले ली। अच्छा, अब सी की वैल्यू इस केस में है जी -3। अगर हमने एक, अगर हम कंपेयर करें इस सी को इस वाली टर्म के साथ, ये कॉन्स्टेंट जो है, तो सी हमारा बनता है -3 के बराबर। और जब हम, अब हमने जहाँ जब इसकी वैल्यू सी की पुट की, तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ -3 पुट करेंगे। अब जरा आप इसको ओपन कर लें, तो ये 4 आ जाएगा और ये आपका 9 आ जाएगा, और फिर आपका ये +3 आ जाएगा। तो ये ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा? सिक्सटीन का अंडर रूट। तो इसका मतलब आपके पास रेडियस किसके इक्वल आया? 4 के तो इसका मतलब है कि ये इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें कही थी, सेंटर पता करें और रेडियस पता करें। तो हमारे पास सेंटर आ गया -2,3, और इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 4। तो इस तरह ये हमने बड़े इजीली फाइंड कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो उसने हमें फिर से अगेन वही काम करने को कहा है, जैसा हमने एक्सरसाइज एग्जांपल 1 में कहा था, किया था, कि आप सेंटर पता करें और आप रेडियस पता करें। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें गौर करने की जरूरत है। तो अगर आप इन इन टर्म्स के कोफिशियंट्स को देखें, तो जैसे हमने उस टाइम पहली एग्जांपल में भी डिस्कस किया था कि कोफिशियंट जो आपके सेकंड डिग्री है, इसके जो कोफिशियंट्स हैं वो आपके 1 के बराबर होने चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस वो तो 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले ये पॉइंट लिखते हैं कि भाई वी नो दैट कि एक्स स्क्वेयर के और वाई स्क्वेयर के जो कोफिशियंट्स हैं मस्ट बी 1, जो कि हमारे केस में अब नहीं है। अच्छा, ये हमारे लिए भी अभी भी लक है कि बराबर हैं, ये 1 के बराबर तो नहीं है लेकिन दोनों हैं इक्वल। ये अगर नॉन इक्वल हो तो फिर हमारे लिए मसले और बढ़ जाते हैं, फिर तो मामला खराब हो जाते हैं। तो एक तो ये 1 के बराबर होना चाहिए, तो इसको 1 के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय 5। तो अगर हम अपनी इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो ये जब हम डिवाइड करूँगा, मैं पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करूँगा, तो ये मेरी पहली टर्म एक्स स्क्वेयर बन जाएगी, दूसरी भी वाई स्क्वेयर बन जाएगी, तीसरी जो टर्म है 24 वाली, ये किसके बराबर आ जाएगी जी? ये 24/5 हो जाएगी, 24/5x प्लस ये 36/5x, सॉरी 5y, और प्लस ये जो 10 है, 10 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा इसका 2। तो हमने क्या किया, सबसे पहले
हमने ये चेक करना होता है कि हमारी जो गिवन इक्वेशन है क्या उसके जो सेकंड डिग्री वाली टर्म्स हैं जो कि एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर हैं, क्या उसके कोफिशियंट्स वन के बराबर हैं। अगर तो वन के बराबर हैं तो फिर हमें जस्ट कंपैरिजन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें सबसे पहले इन कोफिशियंट्स को वन बनाना चाहिए। अब इसमें हमारे लिए हम गुड लक थी हमारे कि ये दोनों बराबर हैं और हमने जस्ट एक नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो उससे चूंकि सारी इक्वेशन को डिवाइड किया तो फर्क नहीं पड़ा, तो इससे ये हुआ कि हमारे जो दोनों कोफिशियंट्स हैं ये वन आ गए। ठीक है, दोनों डिग्रीज के, दोनों सेकंड डिग्रीज टर्म्स के कोफिशियंट्स हैं वो वन आ गए, लेकिन बाकी कहीं और थोड़ी डिवीजन आ गई, तो उससे कोई ज़्यादा मसला पैदा नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे जी, एक छोटा सा कंपेरिजन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, तो अब हम कंपैरिजन कर लेंगे। अब कंपैरिजन करने के लिए फिर हमारे पास इक्वेशन का होना भी ज़रूरी है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसी पेज पे एक तो वो जेनेरिक फॉर्म लिख देता हूँ। जेनेरिक फॉर्म हमारी थी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बिल्कुल टू जीरो। तो अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो असल में हमें जी और एफ और सी की वैल्यूज पता करनी है। तो हमारे केस में ये जो टू जी है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, ठीक है ना, ये जो टू जी है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस। और हमारा इसी तरह जो टू एफ है वो हमारा किसके बराबर आता है जी, 36.5 के। और जो हमारा सी है वो किसके बराबर है जी, वो टू के बराबर है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ कंपैरिजन कर लिए तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि हमारे 2g, 2f और c की वैल्यूज़ क्या है। अब c की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ भी प्लस है तो इससे ज़्यादा मसला नहीं है। तो हम क्या कहते हैं जी, अब 2g को हमने कहा था जी 2g इज एक्चुअली इक्वल टू 24/5, तो इससे आपकी जी की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हैं? 12/5 जी, वेरी गुड, 12/5। और इसी तरह 2f जो है वो हमारे पास है 36/5, तो f की वैल्यू क्या आएगी? 18/5, वेरी गुड। और सी की वैल्यू हमें पता है वो 2 के इक्वल थी, तो ये तीन वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब इससे हमें सेंटर पता चल जाएगा, तो सेंटर हमारा जी किसके इक्वल है, वो -g, -f के इक्वल है। तो हमारा जो सेंटर है वो आएगा -12/5, -18/5। तो ये तो हमारा आ गया सेंटर। तो अब हमें रेडियस पता करना है, तो रेडियस के लिए हम उसी तरह रेडियस का फॉर्मूला लिख रहे हैं, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी का होल अंडर रूट। तो जी की वैल्यू हमने पता की थी, ये 12/5 है, इस पूरे का स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस एफ की वैल्यू 18/5 है इसका स्क्वेयर, और माइनस सी जो है वो 2 के बराबर है। अब 12 का स्क्वेयर क्या होता है जी, 144/25। 18 का स्क्वेयर है जी 324/25, और माइनस 2 एज इट इज। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इनके एलसीएम वगैरह लेने देना होगा, तो एलसीएम तो आएगा 25, और बाकी आप इनको सम कर लेंगे, तो इनको एलसीएम लेकर आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इसका आंसर आएगा 418/25 होल अंडर रूट। ठीक है, अब इसको अगर मैं मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं 418 चूंकि ये किसी का स्क्वेयर नहीं है तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। 25 चूंकि 5 का स्क्वेयर है तो मैं
अंडर रूट उस पर अप्लाई कर देता हूँ तो वो नीचे 5 आ जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ जी, ये मैंने रेडियस पता कर लिया, ये हमारा रेडियस आ गया और यहाँ से हमारा सेंटर आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने एक जेनेरिक फॉर्म में जो हमें इक्वेशन गिवन थी, जो कि इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन थी जिसके कोफिशियंट्स भी जो सेकंड डिग्री वाले कोफिशियंट्स हैं वो 1 भी नहीं थे, तो हमने उनको 1 बनाया, फिर हमने उनको जेनेरिक फॉर्म से कंपेयर किया और कोफिशियंट्स को कंपेयर करने के बाद हमने कोफिशियंट्स निकाले और फिर हमने जस्ट सिंपल फार्मूलाज में वैल्यूज पुट की और हमारे पास सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।